अब नहीं होंगी बेजा गिरफ्तारियां। एफआईआर के इंदराज के बाद पहली तफ्तीश और फिर गिरफ्तारी की जाए। आईजी पंजाब अमजद जावेद तलीमी का नया हुक्मनामा। काबिले जमानत मुकदमात में दौरान तफ्तीश शवाहिद ना मिलने पर इल्जाम अलैहा को एसएचओ जमानत दे सकता है। मुल्तान बनने जा रहा है राबतों का मरकज। मुल्तान से लाहौर और मुल्तान से सक्कर का फासला सिमट जाएगा। मुसाफिर आधे वक्त में मंजिल पर पहुंचेंगे। 30 मार्च को अब्दुल हकीम और लाहौर मीटरवे मोटरवे ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। जानलेवा मर्ज चेस्ट कैंसर की तहकीक होगी अब मुल्तान निस्तर अस्पताल में। तहकीक का पहला मंसूबा एसजीसी से मंजूर। वाइस चांसलर निस्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी की रोही से खुसूसी गुफ्तगु। कहा कि एचईसी ने मुल्तान के निस्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी को तहकीक के लिए 14 अरब की मंजूरी दे दी। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे दो रिसर्च प्रोजेक्ट्स मंजूर भी हो गए हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है एचईसी उन्हें फंड भी करेगी। जनूबी पंजाब के मुतादद अस्पतालों में अद्वियात की कमी। रोही आवाम की आवाज बना तो इंतजामिया हरकत में आ गई। निस्तर अस्पताल में अद्वियात की कमी का मसला। एमएस एडमिन निस्तर अस्पताल डॉक्टर अली मेहदी डायलिसिस वार्ड में हेपारियन इंजेक्शन पहुंचाने के अहकाम। विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर में डॉग बाइट वैक्सीन की पहली खेप पहुंचा दी गई। डीएचयू खानेवाल में अद्वियात फराहम कर दी गई। मुल्तान जिला इंतजामिया की जश्न बहारा को भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां शुरू। पीएचए की जानिब से मुख्तलिफ तालीमी इदारों को फूलों के स्टॉल्स लगाने के नोटिस जारी। मियांवाली जिला इंतजामिया का भी जश्न बहारा मनाने का प्लान तैयार। उधर लोधरा में सजा 3 रोजा जश्न बहारा मेला। और बर्र सगीर पाक व हिंद के अजीम रूहानी पेशवा हजरत सखी सरवर के सालाना 841 से उसका आगाज। एमपी अहमद अली दरेशक ने मजार को गुसल दिया, चादर पोशी की। जहानिया में पीर हाजन शेर का 176वां उर्स। उधर कहरोड़ पक्का में पीर महर शाह शाहलाई का भी 275वां सालाना उर्स।